मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स पार्ट आपका 9 है, जिसमें एक्सरसाइज 7A का कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपका। इसके प्रीवियस में बैक में हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे 7A का, अब एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है फर्स्ट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट बताया गया था आपको, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 डिग्री, और सेकेंड क्वेश्चन इसका लेते हैं, सेकेंड नहीं थर्ड ले लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका है 60 डिग्री। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम लोग पढ़े थे उसका डिफाइन कि सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। टू एंगल का मेजर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से अगर 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट। द गिवेन एंगल, द गिवेन एंगल इज, जो एंगल आपका दिया हुआ है, तो गिवेन एंगल क्या है 35 डिग्री। गिवेन एंगल क्या हो गया 35 डिग्री हो गया, समझ गए। और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि लेट द इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 35 का, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया एक्स डिग्री हो गया। देन सम ऑफ टू एंगल 35 डिग्री और क्या हो गया एक्स डिग्री, देन एक्स डिग्री प्लस 35 डिग्री। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट का डिफाइन है कि सप्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का डिफाइन है कि सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, दोनों एंगल को अगर जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। एक्स डिग्री इक्वल 90 डिग्री माइनस, माइनस क्यों हुआ क्योंकि इधर पॉजिटिव है, उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव हो गया 35 डिग्री। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 10 में से 5 सेपरेट होगा 5, 8 में से 3 5, तो 55 डिग्री आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 55। हेंस द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज कितना है 55 डिग्री, 55 डिग्री ये आ गया। तो 55 डिग्री
इसका क्या आ गया एंसर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। अब इसी का ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन में फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें से उसका दो बार का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट का और किसका थर्ड का। बाकी सेकेंड और क्वेश्चन नंबर फोर वन का आप सॉल्यूशन कीजिएगा। यहां पर आपका 60 डिग्री द गिवन एंगल इज, गिवन एंगल इज कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। गिवन एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट को लेट करना होगा, लेट द इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया एक्स डिग्री। देन एक्स डिग्री और प्लस 60 डिग्री, एक्स प्लस 60 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री। अब कहेगा कि 90 डिग्री कैसे आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। तो टू एंगल्स हो गया और दोनों का सम कितना हुआ 90 डिग्री। एक्स इक्वल 90 माइनस 60, एक्स इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। हेंस द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का प्रोसेस। कोई किसी का भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो एक एंगल का मेजर दिया होगा, दूसरा एंगल का भी मेजर आप इस मेथड के अनुसार आप निकाल सकते हैं। गिवेन एंगल इज 35 डिग्री, लेट द इस कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स डिग्री, सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। किसका डिफाइन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। दो एंगल को ऐड करने पर उसका मेजर कितना आता है 90 डिग्री, तो इससे आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड है आपका फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ Each of the following angles, निम्नलिखित एंगल का में प्रत्येक का सप्लीमेंट निकालना है। इसमें भी दो क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी आपका बुक्स में चार क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट आपका है 80 डिग्री और इसका भी थर्ड लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका है 105 डिग्री, थर्ड कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो ये टू क्वेश्चन लेते हैं किसके लिए सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए। सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट है द गिवन एंगल
द गिवन एंगल इज कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल दिया हुआ है। सप्लीमेंट निकालना है तो हो जाएगा लेट द इज सप्लीमेंट, मतलब 80 का सप्लीमेंट, लेट द इज सप्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री, लेट द इज सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। सप्लीमेंट एंगल कितना हो गया x, किसका सप्लीमेंट हुआ 80 का, देन इसमें भी है सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 180। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री में था सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 90, और सप्लीमेंट में है कि सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। एक्स प्लस 80 डिग्री, एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल 180। तो एक्स इक्वल 180 माइनस 80 डिग्री, तो एक्स इक्वल कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। तो सप्लीमेंट एंगल कितना आ गया 100 डिग्री। हेंस द सप्लीमेंट एंगल, हेंस द सप्लीमेंट एंगल इज कितना डिग्री आ गया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से सप्लीमेंट एंगल आप निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहां पर थर्ड गिवेन एंगल, द गिवेन एंगल, द गिवेन एंगल इज 105 डिग्री। कितना एंगल दिया हुआ है 105, इसका क्या निकालना है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट को लेट करेंगे कि लेट द इज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। सप्लीमेंट एंगल कितना हो गया एक्स डिग्री हो गया। देन सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी एक्स प्लस 105, एक्स प्लस 105 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 180, गिवन एंगल है 105 और सप्लीमेंट एंगल हो गया उसका 105 का किया x, दैट इज x इक्वल 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। x इक्वल 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 75 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 75, तो ये 75 डिग्री हो गया। क्या गया 105 का सप्लीमेंट। हेंस द सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल इज 75 डिग्री आंसर हो गया। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन था आपका, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन 80 डिग्री, थर्ड दिया हुआ है 105, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्यूशन किया।
टू और उसका फोर हो गया। इसी के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या सॉल्यूशन से आप सोल्व कर सकते हैं। तो जो गिवेन एंगल है 80 डिग्री, लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। इसका सप्लीमेंट को क्या कर दिए, लेट x डिग्री मान लिए। अब नाउ x प्लस 80 डिग्री इक्वल 180। अब कहेगा कि 180 कहां से आया, तो 180 जो है वह सप्लीमेंट्री का डिफाइन है। तो क्या डिफाइन है कि सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180। अब यहां पर टू एंगल्स हो गया, तो टू एंगल कौन हो गया, 80 डिग्री और x डिग्री। x डिग्री नहीं दिया हुआ है, तो x डिग्री का ये इसका सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट निकालने के लिए x को लेट करना पड़ा, इसलिए x का वैल्यू कितना आया 100 डिग्री। तो इस तरह से सप्लीमेंट एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर। तो फाइंड देयर मेजर्स, फाइंड देयर मेजर्स। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या टेल कर रहा है। अमंग प्रायर टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना, टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बी व्हिच मेजर इज 180 डिग्री। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल हो या कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों में टू एंगल्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर क्या है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। द मेजर ऑफ क्या कह रहा है, लार्जर एंगल, जो बड़ा एंगल है वह 36 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल से लार्जर एंगल 36 डिग्री ज्यादा। तो फाइंड देयर मेजर, तो वो दोनों में एंगल का मेजर से निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि स्मॉलर एंगल का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, बट लेकिन लार्जर एंगल कह रहा है कि स्मॉलर से क्या है 36 बड़ा। तो जो स्मॉलर एंगल को हम लोग लेट करेंगे वह उसमें ऐड हो जाएगा कौन, 36। 36 जो ऐड होगा वह है आपका कौन सा एंगल होगा, लार्जर एंगल हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स डिग्री। स्मॉलर एंगल क्या हो गया, एक्स डिग्री मान लिए। लार्जर एंगल
लार्जर, एंगल कितना हो जाएगा, लार्जर एंगल आपका x प्लस 36 डिग्री, स्मॉलर एंगल का वैल्यू हो गया x, लार्जर एंगल का वैल्यू कितना हुआ x प्लस 36। देन अब सम ऑफ टू एंगल्स, तो एक एंगल लार्जर ए हो गया, स्मॉलर ए हो गया, तो x प्लस 36 इक्वल 180 डिग्री, यानी ये हो गया स्मॉलर एंगल, और ये क्या हो गया, ये स्मॉलर एंगल हो गया और ये आपका लार्जर एंगल हो गया, और दोनों का सम कितना होता है 180। ये रूल्स है सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री, तो 180 हो गया, दैट इज x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 36 डिग्री इक्वल 180। 2x इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 36, x इक्वल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 6 गया 4, बच गया 7 में से 3 4, और ये हो गया 1। बाय 2 मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, अब 2 से 144 कट जाएगा 7 और 2 2 4 72, तो x का वैल्यू कितना आ गया 72 डिग्री आ गया, x का वैल्यू कितना हुआ 72 डिग्री। तो हेंस अ स्मॉलर एंगल, हेंस अ स्मॉलर एंगल, अ स्मॉलर एंगल कितना आ गया आपका, लेट किए थे x, तो x का वैल्यू कितना आया 72, तो स्मॉलर एंगल हो गया आपका 72 डिग्री। लार्जर एंगल का वैल्यू कितना होगा, लार्जर एंगल x प्लस 36 यह कितना होगा 72 प्लस 36 इक्वल 6 और 2 कितना हुआ 8, 7 और 3 10 हो गया 108 डिग्री, तो लार्जर एंगल 108 डिग्री आ गया और स्मॉलर एंगल कितना आ गया 72 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, देख लेते हैं ऐड करने पर 72 डिग्री ऐड करते हैं तो 8 और 2 हो गया 10, 1 7 और 1 8, 180 डिग्री आ गया। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू होता है सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आपका यह प्रूव करता है कि जो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। तो एक आंसर 72 हुआ और एक आंसर हुआ 108 डिग्री। तो इस तरह से ऐसे इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग सब सॉल्यूशन कर सकते हैं, वह या तो सप्लीमेंट्री एंगल इस तरह का निकालना हो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में 100 सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर 90 डिग्री होता है। तो आज का क्लास एंड करते हैं, थैंक यू।